कबूल किया तो हम और हिम्मत मिली। अब मैं आप सभी लोगों के सामने और आप जितने लोग यहां जिम्मेदार बैठे हैं, मैं एक और वसीयत कर रहा हूं कि यदि इनकी उम्र बहुत लंबी हो, इनके जीवित रहते मेरी हत्या कर दी जाए या किसी भी तरह से मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊं, तो जो चिता हमारी बनाई जाएगी उसमें अग्नि देने का काम मारा है। लेकिन अगर मेरे जीते जी किसी ने वसीम भाई को मार दिया, दुनिया का हर मौलाना, हर मुसलमान मेरी बात सुने, अगर वसीम भाई को मेरे जीते जी मारा गया, अपने आप हथियार उठाऊंगा और एक एक हराम ज्यादा को मारूंगा जो वसीम भाई को मारने की हिम्मत करेगा। वसीम भाई, मैं महामंडलेश्वर हूं, मुझे किसी का अंतिम संस्कार करने का अधिकार नहीं है, लेकिन महामंडलेश्वर पद यदि छोड़ना भी पड़ा तो मैं वसीम भाई का अंतिम संस्कार अपने हाथ से करूं, लेकिन मैं ये चाहता नहीं हूं। मां और महादेव कभी मेरे जीवन में ऐसा दिन न लाए कि मुझे अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार करना पड़े, लेकिन ये जिम्मेदारी है, योद्धाओं को जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। अगर मेरा अखाड़ा मुझे आदेश देगा तो मैं महामंडलेश्वर पद छोड़ूंगा और अपने भाई का अंतिम संस्कार करूंगा। लेकिन वसीम भाई, आपके साथ खड़े होने के लिए यदि अपने शरीर का एक एक पुर्जा कटवाना पड़ा तो नरसिंहानंद पीछे नहीं हटेगा, ये विश्वास रखिए हम पर। और ये आपने बहुत बड़ी, मेरे जीवन में मुझे बहुत लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत सम्मान दिया, लेकिन वसीम भाई मुझे इससे बड़ा सम्मान ना मिला है और ना ही मैं इससे बड़ा सम्मान अपने जीवन में कभी महसूस करूंगा, कभी महसूस नहीं करूंगा। मेरी आंखों में आंसू नहीं आते, मैं रोने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं रुलाने के लिए और दंड देने के लिए पैदा हुआ, लेकिन वसीम भाई आज ये आज एक इतिहास का ऐसा बड़ा क्षण है जिसे मानवता कभी भूलेगी नहीं। आज ये सच्चाई, मोहम्मद की सच्चाई, इस्लाम की सच्चाई, जो वसीम भाई ने यहां हरिद्वार प्रेस क्लब ऑफ हरिद्वार में आप सबके सामने ये सच्चाई सारी मानवता के सामने रखी है, ये क्षण इतिहास कभी भूलेगा नहीं। हम मुट्ठी भर लोग हैं यहां पर, ज्यादा से ज्यादा 50 होंगे, 100 होंगे, 100-125 होंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन इन 100 लोगों के सामने जो ये आज पुस्तक आप लोगों के सामने आ रही है, सारी दुनिया इस पुस्तक को हमेशा याद रखेगी, क्योंकि अगर